कसम, पानी की बेटी तो आग है। हाय एवरीवन, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का खट्टा सॉन्ग में वीडियो क्लिप स्टेटस वीडियो एडिटिंग देखा, तो अब भी कुछ इस प्रकार का वीडियो क्लिप वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन एलाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास एलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलाइट मोशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा, यदि आपका इंटरनेट डाटा ऑफ रहेगा तो। इसके बाद आपको नीचे प्लस के राइट साइड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन से आपको दो प्रीसेट लिंक को इनपुट करना है, बिटमार्क प्रीसेट लिंक और सेकीपैड प्रीसेट लिंक। अगर प्रीसेट लिंक को आपको इनपुट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम SMS कर सकते हैं। और अगर आप XML फाइल चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो बिटमार्क प्रीसेट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में वीडियो क्लिप ऐड करना है। सारा वीडियो क्लिप आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। प्लस पे जाना है, मीडिया में जाना है और आपको यहाँ से वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कट कर देना है। आपको पूरा रख लेना होगा। अब वीडियो को लॉन्ग प्रेस के जरिए नीचे रख लेना है और इसको ट्रांसफॉर्म में जाके आपको रोटेट करके 90 डिग्री कर लेना है और 3 डॉट की मदद से फुल स्क्रीन। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसे ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है और अपने पर फॉन्ट ऐड करना होगा। तो लिरिक्स पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आपको फॉन्ट को ऐड करना होगा। तो 3 डॉट पर चले जाना है और इनपुट पे जाके आपको 2 फॉन्ट को इनपुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो जितना भी लिरिक्स है सब में आपको फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पूरा कर लिया, उसके बाद बैक चले आना है और इधर आपको वीडियो क्लिप ऐड करना है। प्लस पे जाना है, मीडिया में और यहाँ सबको एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है और इसे आपको यहाँ तक कट आउट करके हटा देना। उसके बाद इसको बीट के अनुसार आपको साउंड को सबसे पहले म्यूट करना है और इसे बीट के ग्रेडिंग आपको कट आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस समय इफेक्ट ऐड करना है। तो बैक चले आना है, सेक इफेक्ट को ओपन करना है, आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपको सबको बैक चले आना है और बीट में प्रीसेट को ओपन करना है। और यहाँ पर जितना भी बीट है फोटो को अपने कट के सब फोटो में आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो मैं जल्दी से प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ। इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको एक HDR इफेक्ट ऐड करना है। तो फिर से बैक चले आना है, सिक इफेक्ट को ओपन करना है और आप सबको तीनों सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी लेयर कर लेना है और आप सबको बैक चले आना है, बिटमैप प्रीसेट को ओपन करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और वीडियो के एंड तक चले आना है और खिचकी से बड़ा कर देना।
तो कुछ इस टाइप से वीडियो हो गया बनके तैयार। सेव करने के लिए ऊपर एरो के निशान पे और जिसे सब डाउनलोड करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे टाइप कर देना है, तो वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ देर वेट कर लेना।